आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होगा। दरअसल सरकार मंगलवार को ही राज्यसभा में जीएसटी बिल पास कराना चाहती थी ताकि सोनिया की वाराणसी में रैली के प्रभाव को कम किया जा सके। वहीं कांग्रेस सोनिया गांधी की रैली की वजह से बिल को आज पेश कराना चाहती थी। तो आपको बता दें कि लंबी खींचतान के बाद आज राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा बिल। मंगलवार को ही बिल राज्यसभा में रखना चाहती थी सरकार। सोनिया की रैली की वजह से आज का दिन तय किया गया है। बिल पर चर्चा के लिए रखे गए हैं 5.5 घंटे। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, राज्यसभा में इस बिल को लेकर आज चर्चा होनी है, 5.5 घंटे रखे गए हैं जिसके लिए, उसके बाद ये बिल पेश किया जाएगा। कितने बजे से ये चर्चा शुरू होगी? देखिए रेशु, अभी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसके बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार 1947 के बाद इसे सबसे बड़ा टैक्स सुधार के रूप में मान रही है। सरकार का ये मानना है कि अगर जीएसटी आज राज्यसभा में पेश होकर पास हो जाता है तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि क्रांतिकारी टैक्स सुधार होगा, क्योंकि इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि इससे न सिर्फ कुछ सेवाओं और वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, बल्कि इससे जो कह सकते हैं कि हालांकि दो साल तक बताया जा रहा है कि महंगाई कई देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक समान टैक्स होने की वजह से ग्रोथ रेट पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, तो क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी अड़चनें थी, लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि सारी अड़चनें दूर कर ली गई हैं, क्योंकि अरुण जेटली ने सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और इस पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि देखा जाए तो जो सबसे रोड़ा था वो कांग्रेस की तरफ से था, क्योंकि कांग्रेस ने 2 से 3 ऐसे बिंदु थे इस बिल को लेकर जिसमें संशोधन की बात कही थी, और कहा जा रहा है कि अब जीएसटी का जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें 4 संशोधन किए गए सरकार की तरफ से। तो अब कहा जा रहा है कि अड़चनें सारी दूर हो गई हैं, और जिस तरीके से कल अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था कि अगर सारी चीजें ठीक रही और जो प्रक्रिया होती है और सरकार ने जैसा कहा कि हमने संशोधन किया है तो उस पर अगर बात बन जाती है चर्चा के दौरान तो उसको मंजूरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी एक पॉजिटिव रुख देखा जा रहा है, और इससे पहले जब सेशन स्टार्ट होने वाला था जो और जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तब भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से नरमी दिखाया था, और तब गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि देश हित में जो भी होगा वो कांग्रेस के सबसे ऊपर है, चाहे वो जीएसटी हो या फिर कोई दूसरा बिल हो। तो ये माना जा रहा है कि अब सहमति बन चुकी है, और क्योंकि 5.5 घंटे का वक्त रखा गया है कि 5.5 घंटे तक इस बिल की बारीकियों पर संसद राज्यसभा के अंदर चर्चा होगी, और इसके बाद अगर आम सहमति बनती है तो इस बिल को पास करा लिया जाएगा। बिल्कुल, सहमति बन चुकी है, और ऐसे में अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर ये होगी। क्या कुछ फायदे होंगे इस बिल के पास होने के बाद, ये भी बताएं अविनाश यहाँ पर। देखिए रिशु, एक चीज सबसे बड़ी बात है कि अभी देखा जाए तो पूरे देश की बात करें तो सेंटर के अलावा जो राज्य हैं वो अपनी तरफ से कई अलग से टैक्स का उनमें प्रावधान है। बताया जाता है कि करीब ऐसे 20 इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिनको वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगाया जाता है। अगर ये बिल पास होता है रिशु तो सिर्फ 3 टैक्स लगेगा, एक सेंट्रल जीएसटी होगा, फिर उसके बाद स्टेट जीएसटी होगा और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। यानी कि सेंट्रल जीएसटी वो होगा कि जो अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदती हैं, कोई सेवा का प्रयोग करती हैं, तो उससे जो टैक्स का रेवेन्यू होगा वो सेंट्रल जीएसटी को जाएगा, वहीं स्टेट जीएसटी के अंतर्गत वो टैक्स स्टेट के पास जाएगा, और इंटीग्रेटेड में से आधा आधा यानी कि आधा सेंटर रखेगा और आधा स्टेट रखेगा। तो ये प्रावधान होगा, यानी कि जो 20 तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स आज के डेट में एक उपभोक्ता भरता है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश।